क्लास सेवेंथ में से सामाजिक विज्ञान सेकेंड हमारे अति भाग फर्स्ट दिनांक 16/10/2020 अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान, जिसके अंतर्गत दिल्ली के सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत मुबत तुगलक, जैसे मुबत तुगलक ने हमारे दोनों अलाउद्दीन खिलजी, मुबत तुगलक के शासनकाल में बहुत ही बड़ी चुनौतियां थी, जिसके अंतर्गत असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल सकते हैं। सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई और खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था। मुबत तुगलक के द्वारा मुगलों के भी सैनिक आक्रमण की योजनाओं का हिस्सा था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के सल्तनत में तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी में दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंश की वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, जौनपुर, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिणी भारत में स्वतंत्र राज्य उठ खड़े हुए। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहा था। इस काल में अफगान तथा राजपूत जैसे शासक अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक नए शासक भी सबों उभरे। और दूसरा, जैसे शेरशाह सूर शेरशाह सूर और इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली और उसका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से था। शेरशाह सूर 1540 से 1545 तक बिहार में अपने चाचा के एक छोटे इलाके के प्रबंध के रूप में काम शुरू किया। आगे चलकर इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 तक और 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकाधिक
दिल्ली पर अधिकतर दिल्ली शहजादे दिल्ली पर अधिकतर करके स्वयं तथा राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई इलाकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से लगाकर 1605 में जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। शेरशाह सूरी के शासन को ही अपनाया और तीन श्रेणियां ईश्वरीय शांति नाइट और धर्मयुद्ध तीन श्रेणियों का विचार पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को तीन भागों में विभाजित किया गया, प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग। प्रार्थना श्रेणियों में विभाजित किया, प्रार्थना करने वाला दूसरा युद्ध करने प्रार्थना करने वाला युद्ध करने वाला और खेती करने वाला खेती करने वाला वर्ग। जैसे तीनों वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज ने अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती है। इस विभाजन में योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इस योद्धाओं को नाहिट कहा जाता था। योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक संघ को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। ईश्वरीय शांति ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था और नाइटों से अपेक्षा की जाती थी धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश ये रहती थी कि योद्धाओं को अपनी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों को विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक संग्रला चली जिसे क्रूसेड धर्म युद्ध कहा जाता है।
ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों में नायकों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नायकों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक जर्मनी में उसे एक सदी बाद इन योद्धाओं की दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। कुलीन वर्ग मंदिर।